कल जो आप हमने आपके साथ टॉपिक डिस्कस करा था वो टॉपिक हमारा टैली सॉफ्टवेयर से रिलेट कर रहा था। कल मैंने आपके साथ टैली सॉफ्टवेयर में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, ओनली कंपनी बनाना भी नहीं बताया था, खाली कहाँ से डाउनलोड करते हैं, टैली में क्या क्या चीज़ें, बस यही बताई थी और कुछ नहीं बताया था। आज के सेशन में आज हम आपके साथ टैली से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें और कंपनी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ टैली को किस तरीके से स्टार्ट करना है ये बताता हूँ। जैसे आप टैली का आइकन देख रहे हैं, आपको आइकन करना कल चेंज करना मैंने बता दिया था। आप किसी भी सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट की बना सकते हैं, तो आप यहाँ टैली में जाकर अपनी कोई शॉर्टकट की लिख दें, जैसे ऑल कंट्रोल टी लिख दें। तो क्या होगा, अगर कभी भी तुम्हें नेक्स्ट टाइम टैली ऑन करना होगा तो तुम बस क्या कर देना, अपने कीबोर्ड से ऑल कंट्रोल टी दबाना, टैली अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या दबाना है आपको, ऑल कंट्रोल टी, टैली अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आपके पास क्या सोल्यूशन है, आप टैली पर जाकर डबल क्लिक कर दें, टैली आपको क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं विंडो बटन दबाता हूँ और फिर यहाँ टैली लिखता हूँ, अपने आप टैली आ जाता है। जो भी आप लोगों को पसंद है आप वो कर सकते हैं, बस आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। ये बेसिक बातें, अब हम टैली को स्टार्ट करते हैं। टैली की ये विंडो जब फर्स्ट टाइम आएगी इसे बोलते हैं हम लोग स्टार्टअप विंडो। अभी हम जब भी टैली पर काम करेंगे तो हम हमेशा क्या लेंगे, वर्क इन एजुकेशन मोड। क्यों, क्योंकि हमारे पास टैली का क्या नहीं है, लाइसेंस नहीं है, और लाइसेंस नहीं है तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, वर्क इन एजुकेशनल मोड। कोई दिक्कत किसी को, इतना समझ आ गया सब। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तो लास्ट जो कंपनियां ऑन होगी उस कंपनी का नाम आएगा, कंप्यूटर वर्ल्ड इंटरनेशनल 22 दिसंबर 2019, ये कंपनी आपको ऑन दिख जाएगी। हमें कंपनी पहले बनाना सीखनी, कंपनी बनाना सीखनी, तो कंपनी बनाने के लिए आप ऑल्ट F3 दबाओगे। यहाँ एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है कंपनी इन्फो, कहाँ जाएंगे आप, ऑल्ट F3। अगर किसी बटन के नीचे एक लाइन दिखती है, किसी बटन के नीचे या किसी भी शॉर्टकट के नीचे एक लाइन दिखती है, इसका मतलब उसको ऑल्ट के साथ दबाना है। किसके साथ दबाना है, ऑल्ट बटन के साथ दबाना है। लिख लो अपनी कॉपी पर छोटा सा नोट्स बनाकर कि अगर किसी भी शॉर्टकट के नीचे कोई लाइन नहीं है तो नॉर्मल उस बटन को प्रेस करके हम उस ऑप्शन पर जा सकते हैं। अगर किसी पर एक लाइन है, अगर किसी शॉर्टकट की के नीचे एक लाइन है, इसका मतलब उसको ऑल्ट के साथ उस शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे। और अगर किसी शॉर्टकट की के अंदर दो लाइन है तो उसको किसके साथ यूज़ करेंगे, कंट्रोल के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, नो लाइन सिंपल एफ प्रेस करो जो भी शॉर्टकट की है। ठीक है, अगर एक लाइन है तो ओल्ड के साथ यूज करना, और दो लाइन तो किसके साथ यूज करेंगे आप। ये कंपनी ऑन हो जाने के बाद हमें कहाँ आना है, कंपनी इन्फो पर आना है। कहाँ आना है हमें, कंपनी इन्फो पर। अगर आप कंपनी इन्फो पे आओगे तो उसके नीचे बताओ कितनी लाइन है, एक लाइन है, तो उसके लिए क्या दबाओगे आप, ओल्ड F3 दबाओ। तो यहाँ एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है कंपनी इन्फॉर्मेशन। क्या टॉपिक मिलेगा, कंपनी इन्फॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है सिलेक्ट कंपनी। क्या है, सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब जानते हो, जो कंपनी पहले बनी थी उनमें से किसी एक कंपनी को ऑन करना क्या कहलाता है, सिलेक्ट कंपनी। क्या कहलाता है, सिलेक्ट कंपनी। ठीक है, अगर जैसे हमें डेमो ऑन करनी है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेमो लिख देंगे तो डेमो ऑन हो जाएगी। देखो डेमो आ गई। अगर तुम्हें कोई और कंपनी, जैसे आपको डेमो ये यूज़ करनी तो आप ये करोगे तो वो कंपनी आ जाएगी, कोई और कंपनी करनी तो आप वो कंपनी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इसे बोलते हैं सिलेक्ट कंपनी। क्या बोलते हैं, सिलेक्ट कंपनी। उसके बाद आता है शट कंपनी। शट का मतलब होता है कंपनी को बंद करना। जैसे मुझे SS बंद करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, कौन सी बंद करनी है, SS। कौन सी बंद करनी है, कंप्यूटर वर्ल्ड। कौन सी बंद करनी है, डेमो। कौन सी बंद करनी है, FS। तो अब इस समय कौन सी कंपनी ओपन है, कोई भी कंपनी ऑन नहीं है, तो अब सारी कंपनी क्या हो गई, बंद। अगर दोबारा ऑन करनी तो कहाँ जाएंगे, सिलेक्ट कंपनी पे आएंगे और यहाँ से कंपनी को क्रिएट कर देंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, समझ आ गया हांसी। ठीक है, तो सिलेक्ट कंपनी आपको समझ आ गई, कंपनी को बंद करना समझ आ गया। थर्ड ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी।
क्या टॉपिक आता है? क्रिएट कंपनी। जानते हैं क्रिएट कंपनी का मतलब होता है एक नई कंपनी बनाने से। कौन सी कंपनी बनाने से? बस तुम क्रिएट कंपनी पर क्लिक करना। जैसे ही तुम क्रिएट कंपनी पर क्लिक करोगे, टॉप पर लिखा होगा डायरेक्टरी कि कंपनी बन के कहाँ जाएगी, सी ड्राइव में, यूज़र के अंदर, पब्लिक के अंदर, पब्लिक के अंदर टैली के अंदर, टैली के अंदर डाटा के अंदर, मतलब इतनी दूर कंपनी बनेगी, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी जो बने वो डी ड्राइव के अंदर जाए, माय कंप्यूटर के डी ड्राइव के अंदर जाए। यहाँ पर मैंने एक टैली नाम का फोल्डर बनाया, टैली डाटा, इसके अंदर जाए। किसके अंदर जाए? इसके अंदर। बताओ मेरा फोल्डर कहाँ पर है? माय कंप्यूटर में है। कौन सी ड्राइव में है? डी ड्राइव में है। फोल्डर का नाम क्या था? टैली डाटा। अच्छा, इसकी लोकेशन देखो, ये कंपनी की लोकेशन यहाँ क्लिक करोगे तो आ जाएगा डी ड्राइव टैली डाटा। क्या जाएगा? डी ड्राइव टैली। आप इसको कॉपी करना चाहे कॉपी कर ले, या वहाँ जाके पेस्ट कर दें। अब यहाँ इसके दबाएं और यहाँ जाके पेस्ट कर दें। पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? क्या होती है? लेकिन टैली में ऑल्ट कंट्रोल वी होती है। टैली में क्या होती है? कोई चीज़ कॉपी करने के लिए लिख लो, टैली में अगर किसी चीज़ को कॉपी करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है पेस्ट करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल ऑल्ट वी। कॉपी करने की शॉर्टकट होती है ऑल्ट कंट्रोल सी। वी, वी फॉर विक्ट्री। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। कॉपी की ऑल्ट कंट्रोल वी, ठीक है। अब मैं यहाँ पेस्ट करना है, ऑल्ट कंट्रोल वी करूँगा तो ये आ गया। अब मेरी कंपनी कौन सी ड्राइव में बनेगी? डी ड्राइव में। क्या लोकेशन होगी? टैली डाटा। कोई दिक्कत? तो आप मैन्युअली चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, मैं चाहता तो आप लोगों के सामने ऐसे लिख देता। तो ये आपके ऊपर, आपको जो पसंद है वैसे लिखो, लेकिन लिखना इसी सेंस में, या तो आप लिखोगे सी ड्राइव इस तरीके से, या ये तो लिखना कंपलसरी होता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका डाटा, वो आप टाइप कर दो। हमारा डाटा क्या है? टैली डाटा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये हो जाने के बाद आपकी कंपनी का जो भी नाम है आप वो नाम रख सकते हैं। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया SS सॉफ्टवेयर एंड सर्विस। क्लियर है? आपको जो नाम पसंद है आप वो डाल लेंगे। मेलिंग नेम हमेशा सेम डालते हैं, कई बार डिफरेंट भी होता है। जब डिफरेंट होगा देख लेंगे, अगर कोई डिफरेंट डालना चाहे तो आप ऐसे भी डाल सकते हो कि जो प्रिंट करवाना है वो किस नाम के थ्रू प्रिंट करवाना है। कोई दिक्कत? आपका जो भी एड्रेस होगा आप वो एड्रेस टाइप कर दोगे यहाँ पर आप। ठीक है। कंट्री आपको पता है हमारी कंट्री इंडिया है। स्टेट आपको पता है हमारा दिल्ली है। पिन कोड आपको पता है हमारा 36 दे रखा तो 36 डाल देते। आपका जो भी टेलीफोन नंबर है आप वो टाइप कर दोगे, मोबाइल नंबर जो भी आप वो टाइप कर दोगे। आपका फ़ोन नंबर जो है वो आप टाइप कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपका कोई फैक्स नंबर तो वो डाल दो, ईमेल आईडी तो वो टाइप कर देना, कोई वेबसाइट है तो आप वो टाइप कर देना। ठीक है। इसके बाद है फाइनेंशियल ईयर। क्या आता है? फाइनेंशियल ईयर। आप सभी को पता होगा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर कब बंद हो जाता है? 31 मार्च को बंद हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। कोई दिक्कत? अंजलि समझ आ गया? आप आंसर दे दो। मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर, क्या मेरा फाइनेंशियल ईयर 19-20 चल रहा है, हम कौन से साल में खड़े हैं? 19-20 में। क्यों सर 19-20 में क्यों है? क्योंकि 9 मंथ किसके अंदर होंगे? 19 के अंदर, ठीक है, और बाकी 3 मंथ किसके अंदर होंगे? 20 के अंदर। उसे हम क्या बोलते हैं? 19-20। क्या बोलते हैं इसे हम? 19-20। क्लियर है? मान लो मैं इस साल फाइनेंशियल ईयर
2019-20 में था। मैंने अपना बिजनेस 1/8/2019 को स्टार्ट करा। बताओ इसकी एंडिंग डेट क्या होगी? वेरी गुड, 31/12/2020। बारह बोला है, कर दूं देख लो, अब उनके बहकाव में आ रही हो, वो ऐसा कह रहे हैं तो आप बोल रहे हैं। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। चलो, आपने ये बोल दिया, मैं डेट चेंज कर देता हूँ आपके लिए, मैं डेट ये कर देता हूँ, आप बताओ। हाँ देख लो, मैं पूछ रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं कर रहा। चलो अब बताओ। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? 31/3/2021। कोई दिक्कत? समझ आ गया सबको? अगर मैं डेट चेंज करूँ तो बस याद रखना है 19-20 का क्या बनेगा, क्योंकि किसी भी साल में 3 महीने इससे बिलोंग होते हैं और 3 महीने नेक्स्ट ईयर से बिलोंग होते हैं, इसलिए इसको हम फाइनेंशियली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियली। समझ आ गया? हमेशा आपको एक चार रखना। नीचे एक टॉपिक क्या लिखा हुआ है? बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। जानते हैं क्या होता है? एंट्री कब से करनी है। हमारा बिजनेस 1/8 को स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, लेकिन मुझे एंट्री करनी है 1/8 से एंट्री करनी है, ना कि किससे करनी है, 1/4 से। मैं चाहता हूँ इससे पहले की कोई एंट्री ना हो। कब से लेकर? 1/4 से लेकर 31 जुलाई 2019 तक की कोई एंट्री ना हो। तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगा? 1/8/2019। तो मैं इससे पहले की कोई एंट्री नहीं कर सकता, इसके बाद की एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप क्या रखो? सर आपके हिसाब से क्या? दोनों सेम रख दो, दोनों क्या रख दो? सेम रख दो। तो अगर किसी को 1/4 से करना होगा तो वो भी कर सकता है, और वैसे करना हो तो वो वैसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत? तो आप दोनों सेम रख देंगे, क्लियर। उसके बाद अभी टैली वॉल्ट पासवर्ड के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे, और कंपनी को क्या कर देते हैं? सेव कर दें। जैसे ही तुम कंपनी को सेव करोगे, यहाँ आपकी कंपनी बन जाएगी जिसका नाम होगा SS सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, और यहाँ लिखा होगा नो वाउचर, कोई वाउचर की भी एंट्री नहीं होगी। कोई दिक्कत? समझ आ गया? अगर कंपनी बनाते वक्त मुझसे कोई गलती, कोई करेक्शन करनी है, तो दोबारा कहाँ जाऊँगा? मैं आऊँगा, नीचे एक टॉपिक मिलता है, क्या नाम है? अल्टर कंपनी। और जो भी मुझे चेंज करना है मैं यहाँ चेंज कर लूँगा। मान लो तुम गेटवे ऑफ टैली पर हो। कहाँ पर हो? गेटवे। सर इस समय मेरी कंपनी कौन सी होनी, बताओ ये कौन सा बोल्ट लेटर में ना, ये कौन से लेटर में? ये बोल्ट लेटर में एक्टिव दिख रहा है ना, तो कंपनी कौन सी अभी ऑन है? SS सॉफ्ट। अगर तुम्हें महावीर करनी तो महावीर पर क्लिक करो, तो आपकी अब कौन सी कंपनी एक्टिव हो गई? महावीर की। और कौन सी कंपनी डीएक्टिवेट हो गई? ऐसे तो आपको जो करनी है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे सॉफ्टवेयर हो गई, अब महावीर हो गई, कोई दिक्कत? मैं कहाँ खड़ा हूँ? जानते हैं गेटवे ऑफ टैली का मतलब होता है टैली के दरवाजे पर खड़े हो। यहाँ से आप टैली के कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मेरी कंपनी में क्या हो गई? करेक्शन हो गई, गलती हो गई, कुछ चेंज हो गया, तो आप कहाँ जाओगे? कंपनी पे आओगे। कहाँ आओगे? कंपनी। कंपनी के नीचे क्या लिखा है? कंपनी इन्फो, जिसकी शॉर्टकट की क्या बताई थी मैंने? Alt F3। जैसे ही तुम Alt F3 दबाना, कहाँ चले जाना? अल्टर पे। तो कंपनी क्या ऑन हो जाएगी? आपकी अल्ट्रेशन हो जाएगी। सर सपोज करो कंपनी के अंदर मुझे SS सॉफ्टवेयर की जगह SSS, चार नाम, बस चार बार S लिखना और कुछ नहीं लिखना, तो आप कहाँ जाना? कंपनी इन्फो पर। फिर कहाँ जाना? अल्ट्रा पर। क्या नाम लिख देना? SSS, और बल्कि क्या कर देना? सेव कर देना, कोई प्रॉब्लम? कंपनी का नाम क्या हो गया? चेंज हो गया, अब क्या आ गया? SS, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ क्या नाम दिखेगा आपको बार? SS, ठीक है, कोई दिक्कत? ये कहाँ आ गए थे आप? गेटवे ऑफ टैली पर। इतने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है? तो कंपनी बनने के बाद ही तो कर रहे हैं हम लोग।
कर सकते हैं बट हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप बीजी को स्टार्ट करते हैं तो ओपन होने के बाद कंपनी के अंदर अल्ट्रेशन आती है। क्या आती है? अल्ट्रेशन। हर किसी के अंदर अल्ट्रेशन आती है। ये आपका बीजी खुल गया, यहाँ मैंने कंपनी ऑन करी। कंपनी ऑन करने के बाद जब आप एडिट कंपनी में आओगे तो आप यहाँ से कंपनी में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हर जगह ऑप्शन होता है। जो आपने करा उसका कहीं ना कहीं तो होगी प्रॉब्लम, आपके साथ नहीं किसी और के साथ आई होगी, ठीक है? तो कंपनी में अल्ट्रेशन होगी। अब एक बात समझना है यहाँ पर, तुमने कंपनी फोल्डर कहाँ बनाया था? डी ड्राइव में। किस नाम से बताया था? तो यहाँ टैली लिखा। टैली के अंदर क्या आ गया? टैली डाटा। जैसे ही तुमने वहाँ कंपनी बनाई तो तुम्हारी इस लोकेशन में कंपनी बनी जिसका नाम था 10000, मतलब 10,000। क्या है? 10,000। मतलब जब भी टैली कंपनी बनाता है, जब भी टैली कंपनी बनाता है कोई भी, तो यहाँ एक नंबर आता है। क्या आता है? एक नंबर आता है। और नंबर क्या होता है? ये 10,000 हो गया। क्या हो गया आपका? ये 10,000। अगर मैं टैली में एक और कंपनी बनाऊंगा तो बताए इसका नंबर क्या आएगा? मान लो मैंने ए डाल दिया और क्या लिख दिया? दिल्ली, और कंट्रोल ए के साथ सेव कर दी। कंपनी एक और बन गई, इसका नाम क्या था? ए। अब यहाँ देखो क्या आ गया। तो टैली एक नंबर क्रिएट करता है। क्या टैली क्या क्रिएट करता है? एक नंबर। और नंबर कितने से स्टार्ट होता है? 10,000 से। कितना से स्टार्ट होता है? जितनी बनाते जाओगे उतना नंबर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ आ गया? सर आप ये छोटी बातें हमें क्यों बता रहे हैं? ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब तुम कंपनी ऑन करते हो तो कंपनी ऑन होते वक्त कंपनी का कोड यहाँ मेंशन होता है। अब सपोज दैट तुम्हें कंपनी AA डिलीट करनी थी लेकिन तुमने डिलीट कौन सी कर दी? SS। तो हम लोग कोड को याद रखते हैं। किसको याद रखते हैं? कोड को। सर इस कोड के अंदर क्या होता है? कोड के अंदर सारा खेल है। जो अपनी कंपनी बनाई है, इस कंपनी के अंदर जितना कोड है यही तो डाटा है आपका, जो स्टोर करके रखता है, मैनेज करके रखता है, आपके पासवर्ड को प्रोटेक्ट करके चलता है, यही तो डाटा है, यही तो सब कुछ है। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत? सर हमने कंपनी बना ली, कंपनी के अल्ट्रेशन करने के लिए हम कहाँ चले गए? ऑल्ट एफ थे दबा के कहाँ चले गए? हम कहाँ गए? अल्टर कंपनी में। कहाँ गए हम लोग? अल्टर कंपनी में आ गए। किस में आ गए हम लोग? अल्टर कंपनी में आ गए। लेकिन सर सपोज करो मुझे कंपनी AA डिलीट करनी है, तो आप यहाँ आके क्या दबा दो? ऑल्ट डी दबा दो। क्या दबा दो? ऑल्ट डी। जैसे ही तुम ऑल्ट डी दबाओगे तो एक मैसेज आ जाएगा डिलीट कंपनी। किसका मैसेज आ जाएगा? डिलीट कंपनी। ऑल्ट डी इज अ शॉर्टकट की टू डिलीट एनी कंपनी। किसी को भी डिलीट करना है तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, उस कंपनी को अल्टर करो और फिर क्या दबा दो? ऑल्ट डी दबा दो। वो कंपनी क्या हो जाएगी आपकी? डिलीट हो जाएगी। और जैसे तुम यहाँ से डिलीट करोगे तो आपका जो डाटा था वहाँ से भी कंपनी क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। क्लियर है? समझ आ गई मेरी कोई बात आपको जो मैंने बताई छोटी छोटी बातें? चलो क्लियर हो गया। कंपनी बनाना सीख गए, कंपनी के अंदर चेंजेस करना सीख गए, कंपनी को डिलीट करना आप लोग सीख गए। लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा आपको परेशान करेगी। क्या प्रॉब्लम है? तुमने मान लो सपोज दैट टैली को ऑन करा। किसको ऑन कर रहे हैं? टैली को तुमने ऑन करा। टैली ऑन हो गया। टैली जैसे ही ऑन हुआ तुमने कौन सा मोड लिया? वर्क इन एजुकेशन मोड लिया। अब फिर तुम कहाँ गए? कंपनी इन्फो पे गए। और जैसे ही तुमने सेलेक्ट किया तुम्हारी कौन सी कंपनी आ गई? सी ड्राइव यूज़र पब्लिक टैली ERP। लेकिन मुझे कौन सी कंपनी चाहिए थी? डी ड्राइव। तो मुझे ऊपर जाना है। कहाँ जाना है मुझे? ऊपर। तो मैं अब ऐसे नहीं जा सकता। देखो मैं अप की दबा रहा हूँ, नहीं जा सकता ऊपर। क्या दबाऊँ उसके लिए? बैक स्पेस दबा दो। क्या दबा दो? बैक स्पेस। जो ये होता है ना, किसी भी चीज़ को हटाना होता है तो आप बैक स्पेस दबा दो, ऊपर आ जाओगे। और यहाँ लिख दो डी ड्राइव क्या? टैली और डाटा। आ गई कंपनी? आ गई कंपनी। बस एंटर मार दो। क्लियर? कोई दिक्कत? मैंने फिर टैली को बंद कर दिया। अरे सर क्या कर रहे हैं आप? बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं? देखो फिर बंद कर दिया, बंद कर दिया। फिर कहाँ गया मैं? फिर मैं किस पे आया? कंपनी इन्फो। फिर कहाँ गया? सिलेक्ट कंपनी। फिर क्या लोकेशन आ गई? क्योंकि डिफॉल्ट लोकेशन ही है। कौन सी लोकेशन है? डिफॉल्ट लोकेशन। तो आपको रिटेशन नहीं हो रही, लग नहीं रहा कि बार बार आऊँ मैं चेंज करूँ? या ये क्या बात होती है? ये क्या बात होती है कि बार बार मैं आके इसको चेंज करूँ? तो सर ऐसा कुछ करिए कि मेरी लोकेशन क्या बन जाए बाय डिफ़ॉल्ट?
डी ड्राइव डाटा बन जाए, क्या बन जाए, डी ड्राइव। बोलें कोई प्रॉब्लम है तो, देखो यहाँ लिखा है ना स्टार्ट इन, कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसकी राइट क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, ओपन फाइल लोकेशन पे, कहाँ जाएंगे हम, ओपन फाइल लोकेशन पे आएंगे और यहाँ लोकेशन पे आने के बाद एक टैली लिखा होगा, क्या लिखा होगा, टैली, और एक चाबी बनी होगी, क्या बनी होगी, एक चाबी बनी होगी, ये देखो आ गया। इस पर तुम डबल क्लिक करना या इस पर राइट क्लिक करके नोट पैड में फाइल को क्या कर लेना, ओपन। मेरे पास नोट पैड नहीं चलता, मैं क्या कर लेता हूँ, वर्ड पैड पर ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैंने वर्ड पैड पर ऑन करी तो ये टैली के ऑप्शन है, क्या है टैली के ऑप्शन, इसके अंदर हमें डाटा कहाँ से चलता है, हमेशा डाटा सी ड्राइव, यूज़र के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली के अंदर और टैली डाटा, ये टैली का पाथ है, यहाँ से वो टैली रीड करता है। तुम इसे क्या कर दो, क्या दे दो इसको, डी ड्राइव टैली डाटा, बस खत्म। आपकी कंपनी जब बनती है उसका कोड कितना आता है, 10। तुम चाहते हो कितना आ जाए, तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, डिफॉल्ट कंपनी कोड, क्लियर है। वैसे कंट्रोल ए करके क्या कर दो, एस कर दो, सेव कर दो, क्या कर दो इसे आप, सेव कर दो, बस इतना काम कर दो, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है, बस सेव करो और नेक्स्ट टाइम तुम टैली को ऑन करोगे तो टैली तुम्हारा यहाँ ऑन होगा। जब तुम ऑन करोगे वर्क इन एजुकेशन मोड, सेलेक्ट कंपनी, तो क्या लोकेशन आ रही है, डी ड्राइव टैली और डाटा, समझ आ गई मेरी बात। चलो सर एक कंपनी बनाकर दिखा दो, क्रिएट कंपनी ए दिल्ली, कंट्रोल है, क्लियर है। पता है इसका कोड कितना आया होगा, कोई बताओ कितना आया होगा, अभी मैंने कितना डाल दिया था, एक डाल था, शायद वो सेफ नहीं हो पाया, आप देख लेना एक बार, वो 10,000 ही पिक, 1,000 ही पिक करेगा ना कि 10,000, ओके, बात समझ आ गई मेरी। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने कंपनी बनाना आपको सिखाया, क्या बनाना सिखाया, कंपनी बनाना सिखाया।